नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके से फिश करी की रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 400 ग्राम कातला फिश। फिश आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे फिश को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे नमक, एक चम्मच नमक, और आधा चम्मच हम हल्दी डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक हल्दी डालने के बाद हम फिश में दोनों तरफ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। फिश को फ्राई करने के लिए हम ले लेंगे पैन में तेल। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा गरम हो जाए, हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और डाल देंगे एक एक करके फिश। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम एक तरफ 1.5 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। फिर हम एक एक करके सभी फिश को पलट देंगे। तो दोनों तरफ से हमें फिश को पलट पलट के कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करना है। 2 मिनट बाद एक एक करके सभी फिश को हम पलट देंगे। और इस तरफ भी हम 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हो दूसरी ओर मछली हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। दोनों ओर से जब हमारा फिश फ्राई हो जाए, हम निकाल लेंगे देखिए, और बाकी जो फिश है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, या कोई भी आप छोटे से पतीले में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ा करके। आप प्याज को काटने की जगह ग्रेट करके भी डाल सकते हो। डाल दिया है 4 से 5 हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के, और एक मीडियम साइज के टमाटर को हम ऐसे बड़े टुकड़ों में काट के डाल देंगे। डालेंगे हम यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से हम इस तरीके से टाइट हाथों से मिक्स करेंगे। जो हमने फिश को फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। फिश डालने के बाद हम प्याज टमाटर सभी अच्छे से फिश में मिक्स करेंगे। बिल्कुल नए तरीके से इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। देखिए, अब हमने जो फिश फ्राई करते टाइम तेल लिया था वो तेल इसमें डाल देंगे। अब हम वो जो फिश फ्राई करते टाइम तेल बच गया था वो हम तेल इसमें डाल देंगे। तेल अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। या तो तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप मिक्स कीजिएगा। और डाल देंगे हम यहाँ पे आधा कप पानी। स्पैचुला की मदद से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। बस हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। बस हल्के हाथों से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, और यहाँ पे अगर आपको ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो पानी आप यहाँ पे 1 कप डालिएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे और ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। लेकिन बीच में खोल के आप 2 से 3 बार स्पैचुला से सभी मसाले फिश को पलटते भी रहिएगा, जिससे एक तरफ फिश जल ना जाए। 3 मिनट बाद
मैंने बीच में खोल के दो बार स्पैचुला से चला लिया था। अब हम डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का पेस्ट। 2 चम्मच सरसों में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी में पीस लिया है। हल्के हाथों से हम एक बार मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके फिर से ढक देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। सरसों के पेस्ट डालने के बाद एक बार सभी फेस को मैंने पलट दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम में हम ढक देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए और फिश करी हमारा बनके तैयार है। डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा और कटा हुआ हरा धनिया और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और आप देख सकते हो ग्रेवी बिल्कुल ड्राई बनाया मैंने। अगर आपको यहाँ पे हल्का ग्रेवी चाहिए तो पानी थोड़ा सा आप ज़्यादा डालिएगा। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और आप देख सकते हो ये फिश करी देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। लेकिन मानिए आप चावल के साथ खाएंगे बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। तो फिश करी को हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार ये फिश करी बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।